नाउ नेक्स्ट में यहाँ पे हम देखें बेटा, तो असाइनमेंट का सॉल्यूशन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। असाइनमेंट का, तो असाइनमेंट में वन में क्या है, क्वेश्चन नंबर वन में क्या है असाइनमेंट में, कि व्हेन ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज बेंट इनटू ए कंप्लीट सर्कल, रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स विल बी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन को अगर हम सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर वन में क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेमी सर्कल जो बनेगा बेटा, उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज आर बाई टू, एंड दोनों सेमी सर्कल पैरेलल में होगा तो आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा, सो दिस इज आर इंटू आर बाई टू इंटू आर बाई टू डिवाइडेड बाई आर बाई टू प्लस आर बाई टू, सो दिस इज आर, सो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन फोर इंटू आर, आर आर कट गया बेटा, सो दिस इज आर अपॉन कितना हो जाएगा फोर, सो आर अपॉन फोर इज द करेक्ट आंसर बेटा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वायर ऑफ द सेम मेटल हैव सेम लेंथ बट देयर क्रॉस सेक्शन एरिया आर इन द 3:1, दे आर ज्वाइंड इन सीरीज, द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज 10 ओम, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन विल बी। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर हम इक्विवेलेंट, सबसे पहले तो आर इज इक्वल टू कितना होता है, दिस इज रो एल अपॉन कितना होता है ए होता है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया और आपसे बोला गया टू रेजिस्टेंस दे आर ज्वाइंड इन सीरीज, सीरीज में ज्वाइन होंगे बेटा, तो एक का रेजिस्टेंस कितना है 10 है, तो दूसरे का रेजिस्टेंस सीधे इसका कितना हो जाएगा 3 times हो जाएगा, थीकर है ना, ज़्यादा है क्रॉस सेक्शन एरिया, बट देर क्रॉस सेक्शन या एरिया आर इन द रेशियो ऑफ 3:1, जो थीकर वायर है बेटा उसका 10 है, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, दिस इज 30 हो जाएगा, ठीक है। सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर टू को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर टू में आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है बेटा, ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, सो आर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बेटा आर इज इक्वल टू ए का 10 ओम हो जाएगा, और ए का 3 कितना हो जाएगा 10 ओम, सो दिस इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा बेटा 40 ओम इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, दिस इज 40 ओम, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। थर्ड में बोला है थ्री रजिस्टर ईच ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्राइंगल, द रजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स इज, देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है बेटा कि थ्री रजिस्टर है 4 ओम है, ठीक है। तो ये देखो ये बना दिया ये ट्राइंगल, ये बन गया ट्राइंगल, 3 ओम 3 ओम है सबका, दो टर्मिनल के बीच में, लेट दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो दिस इज 4 ओम, दिस इज 4 ओम एंड दिस इज 4 ओम, तो ये दोनों चार चार ऊपर वाला क्या हो जाएगा बेटा सीरीज में हो जाएगा, सो दिस इज कल टू सीरीज में चार चार कितना हो जाएगा 8 ओम, नीचे तो 4 ही ओम बच जाएगा, सो दिस इज कल टू ए एंड दिस इज बी, सो आर इक्विवेलेंट कितना 8 into दिस इज 4 ओम डिवाइडेड बाई 8 plus कितना 4, तो 8 into 4 आठ चार कितना हो गया 12, 3 चौके 4 थी 12, सो दिस इज कल टू 8/3 ओम इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर होगा बेटा इसका, सो दिस इज 8/3 ओम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm 2 ohm 3 ohm आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्राइंगल, इफ 1.5 volt ऑफ सेल इज नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज अक्रॉस द 3 ohm रजिस्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द 1 ohm 3 ohm and 5 ohm कनेक्टेड है बेटा, ठीक है, और 3 ओम के अक्रॉस में 1.5 वोल्ट कनेक्ट किया है, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1 ohm 2 ohm and 3 ohm। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को, तो ये मान लिया जाए दिस इज द 1 ohm एंड दिस इज द 2 ohm एंड दिस इज द कितना हो जाएगा ये 3 ohm, और इसके अक्रॉस में 1.5 वोल्ट का एक ये लगाया है। अब सबसे पहले आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा, दिस इक्वल टू 2 और 2 और 1 किस में है सीरीज में, तो दिस इक्वल टू 3, तो आर इक्विवेलेंट 3 into 3/3, सो दिस इक्वल टू 3 into 3/6 कितना 6, 3 × 6, सो दिस इज 3/2, सो दिस इज 1.5 ओम हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो करंट इक्वल टू कितना, सो दिस इक्वल टू V/R, सो दिस इक्वल टू 1.5/1.5, सो दिस इक्वल टू 1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा 1 एम्पियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ आई इन एम्पियर थ्रू 60 ओम रजिस्टर, इस 60 ओम रजिस्टर से करंट वैल्यू पूछ रहा है, तो बेटा 1 एम्पियर अगर यहाँ चल रहा है, पहले इक्विवेलेंट निकाल लें, तो अगर यहाँ से 1 एम्पियर चल रहा है तो ऊपर कितना हो गया दिस इज 60, नीचे यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 कितना हो गया 20 एंड यहाँ पे कितना हो गया दिस इज इक्वल टू 10, ठीक है, यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे हो गया 10, ठीक है। अब जो करंट जो जाता है बेटा, जहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे कम होता है करंट मैक्सिमम वहाँ से फ्लो करता है, ठीक है,
तो अगर या तो सबका इक्विवेलेंट निकालो, तो इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये सारे किस में है पैरेलल में, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना 1/60 प्लस 1/20 प्लस 1/10। सो r इक्विवेलेंट जब निकालोगे बेटा तो इसकी वैल्यू 6 ओम आ जाएगा। सो v इज इक्वल टू i, अच्छा सब में वोल्टेज तो सेम ही होगा, सो दिस इज इक्वल टू v इज इक्वल टू i इंटू कितना आ जाएगा r, सो दिस इज 1 × 6, सो दिस इज इक्वल टू 6 वोल्ट आ जाएगा और सब में वोल्टेज सेम है, तो 60 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस में 6 वोल्ट है बेटा, तो करंट कितना हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू v अपॉन r, सो दिस इज इक्वल टू 6/60, सो दिस इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर, सो 0.1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा।